हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुलिस पर हमला कर सरकारी जीप जलाने वाले 7 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर थाना क्षेत्र मुख्य जैतारण हाईवे का मामला। पाली जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के रायपुर और जैतारण मेगा हाईवे मुख्य सड़क मार्ग पर पुलिस जवानों पर गश्ती दल पर हमला कर सरकारी वाहन जीप को जलाने वाले मुख्य अपराधियों को आज पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी पाई। पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने मीडिया को बताया कि गश्ती दल पर हमला करने के बाद उक्त हमलावर आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस द्वारा नाकाबंदी लगवाने के बाद भी हाथ नहीं चढ़े और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए थे, जिसमें पाली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह के नेतृत्व में जैतारण वर्ता अधिकारी सुरेश कुमार, सोजस सीईओ डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़, पाली वर्ता अधिकारी ओम प्रकाश, रायपुर थानाधिकारी मनोज राणा, जैतारण थानाधिकारी सहदेव चौधरी, सेंदड़ा थानाधिकारी मनोज सामरिया, रास थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार, आनंदपुर कालू थानाधिकारी शारदा विश्रोही सहित 7 थाना के अधिकारियों की टीम सहित 44 पुलिस कर्मी थानों से 40 पुलिस लाइन से सहयोग के लिए लगवाए गए। पुलिस द्वारा तकनीकी अनुसंधान साइबर टीम सहयोग से अपराधियों के रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों के छुपने के ठिकाने पर दबिश दी गई। पुलिस गठित टीम लगातार आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी रखा। 26 जुलाई को मुख्य आरोपी पटेल बावरी का सोजत आने की सूचना से पुलिस ने दबिश दी। मुख्य आरोपी निबोल जैतारण निवासी पटेल बावरी को सोजत थाना अधिकारी रामेश्वरलाल भाटी मय जाप्ता द्वारा पीछा कर पकड़ा गया। पूछताछ में अन्य 6 आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। जागरूक टीवी के संवाददाता से पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत, इनका कहना है कि जंगल और खेतों के रास्ते में वो भाग गए और पुलिस टीम ने वो मोटरसाइकिल जहाँ उन्होंने छोड़ी थी बरामद करके मुख्य सड़क पर आए और उन्होंने अपराधियों की धरपकड़ की, नाकाबंदी शुरू की। कुछ ही देर बाद एक बोलेरो कैंपर में उन अपराधियों के कुछ साथी सवार होकर आए। नाकाबंदी टीम ने उनको रोकने की कोशिश की और जो उनकी रोकने की कोशिश हुई तब बोलेरो कैंपर को तेज गति से नाकाबंदी टीम के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। टीम ने अपने बचाव में खेत में ही जंप कर लिए और चूंकि अंधेरा था और टीम अपने बचाव में उस मौके से दूर हट गई थी, उसी दौरान उन्होंने कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर पुलिस गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस वाहन उसमें जल गया। मौके की गंभीरता को देखकर हमारे वरिष्ठ अधिकारी रैन जी महानिरीक्षक पुलिस महोदय वो भी पधारे। हम सब लोग मौके पर गए थे। उसी टाइम आसपास नाकाबंदी भी कर रही थी, लेकिन ये सारे अपराधी गाँव के कच्चे रास्तों से होकर सेंदड़ा और जवाजा के बीच में जंगलों में छुप गए थे। इनके बारे में तकनीकी और गोपनीय जानकारियाँ जुटाई गई। इसमें पटेल बावरी निम्बोल जैतारण थाने का रहने वाला है, वो उसमें मुख्य अपराधी रहा है। इनके गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीम गठित की थी जो निरंतर इनकी जो संदिग्ध स्थान थे वहाँ पर दबिश दे रहे थे। गत एक दिन पूर्व रात्रि में पटेल बावरी के सोजत इलाके में आने की जानकारी मिली थी। रात में ही ऐसे जो सोजत ने अपनी टीम के साथ रेड की थी, मौके से फरार हो गया था और फिर इसका पीछा करके इसको पकड़ा। इससे पूछताछ के बाद में अन्य जो संदिग्ध लोग थे इसके साथी वहाँ पर भी अलग अलग टीम गठित करके भेजी थी। सभी लोगों को पुलिस टीम डिटेन करने में सफलता पाई। और पटेल बावरी और उसके 6 जो साथी हैं जिनमें से एक पिपाड़ शहर जोधपुर का रहने वाला है और बाकी सभी लोग ये जैतारण थाना इलाके के रहने वाले हैं, इन सभी की आज प्रारंभिक पूछताछ के बाद में गिरफ्तारी हुई। इनसे और भी कोई वारदातें खुली हुई है? पटेल बावरी सक्रिय अपराधी रहा, लंबे समय से ब्यावर में कोई ठिकाना बना के रहता था, वहाँ पर ये छुपा हुआ था और रात के समय अपराध करता रहा। गत दिनों नागौर पुलिस भी ब्यावर में इसको पकड़ने के लिए गई थी और पीछा करने के दौरान पुलिस वाहन भी उसमें दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इनसे पूछताछ की जा रही है। गत दिनों कार्य के दौरान कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या अपराध किए और कौन लोग साथी इनके साथ में रहे हैं, जनता से पूछताछ की जा रही है। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।